Hello everyone, this is Bilal, and in this video we are going to translate some daily used Urdu sentences into English. तो इस वीडियो में हम उर्दू के कुछ ऐसे सेंटेंसेस को जो कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत यूज़ करते हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो नंबर वन वी हैव, मैं मैथ में अच्छा नहीं हूँ, या फिर मुझे मैथ नहीं आता है. तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आई एम नॉट गुड एट मैथमेटिक्स. तो इस वीडियो में हम जितने भी इंग्लिश के सेंटेंसेस देखेंगे उसमें एडजेक्टिव प्लस प्रपोजिशन आएगा. तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस एडजेक्टिव के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होता है. तो इस एग्जांपल में आई एम नॉट गुड एट मैथमेटिक्स, जो गुड है वो एडजेक्टिव है और जो एट है वो प्रपोजिशन है. तो गुड के साथ जो प्रपोजिशन यूज़ हो रहा है वो है एट. तो इसी तरह अगर आपने कहना है कि मैं मैथ में कभी अच्छा नहीं था, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, आई वॉज नेवर गुड एट मैथमेटिक्स, आई वॉज नेवर गुड एट मैथमेटिक्स. और अगर आपने कहना है कि उसको कुकिंग बहुत अच्छे से आती है, या वो कुकिंग में बहुत अच्छी है, तो इसकी ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, शी इज़ वेरी गुड एट कुकिंग. तो इस तरह जब आपने कहना है कि कोई शख्स कोई चीज़ बहुत अच्छे से कर सकता है, तो उसको आप इस स्ट्रक्चर के साथ कह सकते हो, He is very good at. तो अगर आपने कहना है कि उसको वॉलीबॉल बहुत अच्छे से आता है, या वो वॉलीबॉल में बहुत अच्छा है, या उसे वॉलीबॉल खेलना बहुत अच्छे से आता है, तो आप इस स्ट्रक्चर के साथ कह सकते हो, He is very good at. He is very good at playing volleyball. He is very good at playing volleyball. Okay, so next we have, उसे सांपों से डर लगता है. इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, She is afraid of snakes. तो इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो है afraid, और जो प्रपोजिशन यूज़ हो रहा है वो है ऑफ. She is afraid of snakes. उसे सांपों से डर लगता है, उसे ऊंचाई से डर लगता है. तो इसको भी हम इसी स्ट्रक्चर के साथ बताएंगे, शी इज़ अफ्रेड ऑफ, शी इज़ अफ्रेड ऑफ हाइट्स. उसे अंधेरे से डर लगता है, ही इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क. ओके, नेक्स्ट वी हैव, वो अपने बड़े भाई के जैसा दिखता है, लेकिन वो अपने छोटे भाई से बहुत मुख्तलिफ है. तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ही इज़ सिमिलर टू हिज एल्डर ब्रदर बट वेरी डिफरेंट फ्राम हिज यंगर ब्रदर. तो इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है वो है सिमिलर, और उसके साथ जो प्रपोजिशन यूज़ हो रही है वो है टू. ओके, नेक्स्ट वी हैव, मुझे चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है, या फिर मुझे चाइनीज़ फूड बहुत अच्छा लगता है. सो लेट्स ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, आई एम वेरी कीन ऑन चाइनीज़ फूड, आई एम वेरी कीन ऑन चाइनीज़ फूड. तो इस वर्ड कीन को हम यूज़ करते हैं जब हमने कहना होता है कि हमको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है. तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, आई एम वेरी कीन ऑन चाइनीज़ फूड. इन अदर वर्ड्स, आई लाइक चाइनीज़ फूड वेरी मच, यानी कि मुझे चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है. तो नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे फुटबॉल बहुत पसंद है, या फिर उसे फुटबॉल बहुत अच्छा लगता है. तो इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, ही इज़ वेरी कीन ऑन फुटबॉल. ओके, नेक्स्ट वी हैव, मैं उसकी कंप्लेन सुन सुन के थक चुका हूँ. तो इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, आई एम टाइट ऑफ लिसनिंग टू हिज कंप्लेंट्स, आई एम टाइट ऑफ लिसनिंग टू हिज कंप्लेंट्स. तो टाइट ऑफ को हम यूज़ करते हैं when we no longer want something or want to do something because we are bored or annoyed by it. तो tired off को हम use करते हैं जब आप किसी चीज़ से उकता जाते हो, या जब आप किसी चीज़ से तंग पड़ जाते हो और आप वो चीज़ और नहीं करना चाहते. जैसा कि इस example में है कि मैं उसकी complaints सुन सुन के थक चुका हूँ, यानी कि मैं उसकी complaints और नहीं सुनना चाहता. I don't want to hear his complaints anymore. तो इसलिए हम tired off का use कर रहे हैं, I am tired of listening to his complaints. In other words, I don't want to listen to his complaints anymore. तो यहाँ पे जो adjective है वो tired है, और उसके साथ जो preposition use हो रही है वो है of. Okay, next example है, मैं पढ़ाई कर करके थक चुका हूँ. तो इसको translate करते हैं English में, I am tired of studying.
I am tired of studying. Okay, so next we have, वो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में. She is very interested in English language. She is very interested in English language. तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो इंटरेस्टेड है और जो प्रपोजिशन है वो है इन. नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं हमेशा से ही पेंटिंग में इंटरेस्टेड हूँ, या फिर मुझे हमेशा से ही पेंटिंग अच्छी लगती है. तो इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन पेंटिंग. आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन पेंटिंग. तो एडजेक्टिव इंटरेस्टेड के साथ जो प्रपोजिशन यूज होगी वो है इन. ओके, नेक्स्ट है, गलियां बारिश की वजह से पानी से भरी पड़ी हैं. इसकी इंग्लिश है, द स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ द रेन. तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो फुल है और जो प्रपोजिशन है वो है ऑफ. नेक्स्ट है, वो एनर्जी से भरा पड़ा है, या उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है. तो इसकी इंग्लिश है, ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी. ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी. आसमान सितारों से भरा पड़ा है, द स्काई इज़ फुल ऑफ स्टार्स. ओके, नेक्स्ट है, इस लैपटॉप में कोई ख़राबी है. तो इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दिस लैपटॉप. देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दिस लैपटॉप. तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो रॉन्ग है और जो प्रपोजिशन यूज़ हो रही है वो है विद. नेक्स्ट है, तुम्हारे साथ क्या मसला है, वट इज़ रॉन्ग विद यू. वट इज़ रॉन्ग विद यू. ओके, तो आज की वीडियो का जो लास्ट सेंटेंस है वो अपने छोटे भाई पे चिल्ला रहा है. ही इज़ शाउटिंग एट हिज यंगर ब्रदर. ही इज़ शाउटिंग एट हिज यंगर ब्रदर. शाउटिंग का मतलब चिल्लाना. तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो शाउटिंग है और उसके साथ जो हम प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं वो एट है. ओके, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप यू हैव लर्नड सम यूजफुल सेंटेंसेस इन दिस वीडियो. वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.